फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, सोल्जर्स का एक ग्रुप रात के अंधेरे में एक घने जंगल में अपने राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। सोल्जर्स ये नहीं जानते कि असल में वे फायरिंग किसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों के बीच कुछ है, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा जो सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है। सोल्जर्स के टीम में से एक आदमी रिलोड करने के लिए रुकता है, और जैसे ही वह अपने राइफल से मैगजीन को बाहर निकालता है, उसके पास से एक परछाई गुजरता है और अचानक से उसके बगल में खड़ा एक सोल्जर घुटनों के बल गिर जाता है और अपना गर्दन पकड़ लेता है। और तभी वह सोल्जर देखता है कि उसके गले से खून निकल रहा है। अचानक से उस सोल्जर के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह सोल्जर तुरंत पीछे मुड़ता है और वह बस फायरिंग करने ही वाला होता है कि तभी वह व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, इतना मत डरो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी सोल्जर्स अपने कमांडर के साथ उस चीज से बचते हुए, वह जो भी है उससे बचते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते फिर से उनके सामने से कुछ गुजरता है और सोल्जर्स में से एक को पेड़ के पीछे ले जाता है। वे सभी सोल्जर्स बस उसके चीखों को सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पेड़ के पीछे कुछ भी नहीं है। तभी कमांडर कहता है, भागते रहो, पहले ही हमें बहुत देर हो चुका है। एक एक करके सभी सोल्जर्स गायब हो जाते हैं और लास्ट में बस वही सोल्जर और कमांडर बचते हैं। वे दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक छोटा सा फार्म हाउस देखते हैं। तभी कमांडर कहते हैं, हमें उस फार्म हाउस में जाकर छुप जाना चाहिए। वे दोनों तुरंत घर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद वह सोल्जर घर के कोने से पीछे देखता है कि कहीं वह मॉन्स्टर यहीं तो नहीं आ रहा है जिसने बाकी सभी सोल्जर्स को मार दिया था। वह सोल्जर कमांडर से पूछता है कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन वह कमांडर बस चुप रहने के लिए और पीछे झांकते रहने के लिए कहता है। सोल्जर घर के पीछे से झांकता रहता है, लेकिन उसे जंगल से निकलता हुआ कुछ नहीं दिखता है। तभी अचानक से कमांडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह सोल्जर मुड़कर देखता है कि उसके छाती पर कुछ बन रहा है, ब्लैक होल जैसा कुछ, और धीरे धीरे वह ब्लैक होल बड़ा होता जा रहा है। तभी वह सोल्जर देखता है कि कमांडर धीरे धीरे उस ब्लैक होल के अंदर खींचता चला जा रहा है, और जब कमांडर पूरी तरह से उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो उसके बाद वह ब्लैक होल भी गायब हो जाता है। वह सोल्जर सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन उसके पास ये सब सोचने का समय नहीं है क्योंकि वह अजीब सा क्रिएचर जंगल से बाहर आ गया है। सोल्जर तुरंत उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है और दरवाजे को लॉक करके आगे से एक टेबल को रख देता है ताकि वह क्रिएचर घर के अंदर ना आ सके। वह कमरे में चारों तरफ देखता है और छुपने के लिए बेड के अंदर चला जाता है और कुछ देर इंतजार करता है, लेकिन उसे किसी भी तरह का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। वह सोचता है कि वह अजीब सा क्रिएचर अब चला गया होगा, लेकिन वह फिर भी बेड के नीचे से नहीं निकलता है और दरवाजे की ओर देखता रहता है, ये उम्मीद करते हुए कि वह क्रिएचर किसी भी समय धमाके से दरवाजा खोलेगा। लेकिन उसे कुछ और दिखता है, वही ब्लैक होल कमरे के बीच में जमीन पर बन रहा था और धीरे धीरे वह ब्लैक होल बड़ा होता जा रहा था। उसमें से एक पतला काला पैर बाहर निकलता है और फिर उसके बाद वह अजीब सा क्रिएचर उस ब्लैक होल से बाहर निकल जाता है।
उस क्रिएचर का मुंह सिर्फ और सिर्फ नुकीले दांतों से भरा हुआ था। वह क्रिएचर चिल्लाते हुए पेट को उठाकर फेंक देता है। उस क्रिएचर को देखने के बाद वह डर के मारे रोने लगता है और तभी वह सोल्जर देखता है कि ये बिना आँखों वाला जीव अंधा नहीं है, क्योंकि उसके मुंह के अंदर ब्लू कलर के बॉल जैसा कुछ है और वह उसे ही देख रहा है। तभी सोल्जर को अपना सीना टाइट होता हुआ महसूस होता है और वह देखता है कि वही ब्लैक होल जैसा कुछ अब उसके सीने पर बन रहा है और वह महसूस कर सकता है कि वह ब्लैक होल धीरे धीरे उसे अपने अंदर खींच रहा है। लेकिन तभी उसे फिर से कुछ सुनाई देता है और वह देखता है कि उसका घायल साथी उस जीप के ऊपर गोलियां चला रहा है। वह जीप तुरंत फार्म हाउस के दीवारों को तोड़कर भाग जाता है। उस जीप के जाते ही सोल्जर के सीने पर से वह ब्लैक होल गायब हो जाता है और वह बच जाता है। उसका साथी सोल्जर इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वह सोल्जर वहीं फर्श पर गिर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बचा लिया, और यह कहकर वह सोल्जर वहीं पर मर जाता है। छोटे बच्चों का एक ग्रुप जंगल में हंसते हुए और खेलते हुए जा रहे हैं। तभी एक जगह पर जाकर वे सभी बच्चे रुक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, आगे कुछ है, शायद वह कोई बूढ़ा आदमी है। वे सभी लड़के डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन एक लड़का हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है। तभी वह बूढ़ा आदमी या फिर वह जो भी है, वह खांसता है और ऐसा दिखाता है कि वह किसी दर्द में है। वे सभी बच्चे जैसे ही उसके करीब जाते हैं, वे देखते हैं कि उसका स्किन ग्रे है और उसके हाथ में केवल 3 उंगलियां है। उनमें से एक लड़का लकड़ी उठाता है और लकड़ी से उस आदमी को छूता है। छूते ही वह पलट जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वे सभी बच्चे अपने कान पर हाथ रखकर भागने लगते हैं। लेकिन अफसोस, वह अजीब सा क्रिएचर उन सभी बच्चों को मार देता है। कुछ हफ्ते बाद गांव के सभी लोग मेयर के ऑफिस आकर शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि उनके लोग और बच्चे जंगल में गायब हो रहे थे। गांव वाले मेयर से जवाब मांगते हैं कि आखिर उनके लोग लापता कैसे हो रहे हैं, क्या सच में जंगल में कोई मॉन्स्टर है। मेयर सभी गांव वालों को शांत करने की कोशिश करता है, उन्हें ये बताते हुए कि वह जानता है कि जंगल में किसी मॉन्स्टर के होने की खबर है, लेकिन यह बस एक अफवाह है और कुछ नहीं। मेयर उन्हें कहता है कि वहां कुछ तो है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वह क्या है। मेयर कहता है कि वह कोई जानवर या आदि मानव हो सकता है जो लोगों का शिकार करके उन्हें मार रहा है। ना ही मुझे और ना ही पुलिस को पता है कि एग्जैक्टली वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन इन सब में एक अच्छी खबर ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप अमेरिका से हमारी मदद करने के लिए आए हैं। मेयर एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो सोल्जर्स के एक छोटे ग्रुप और एक साइंटिस्ट के साथ खड़ा है। मेयर कहता है, ये व्यक्ति जनरल मैचोई अमेरिका से है और ये सभी यहाँ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले शोर मचाना बंद कर देते हैं। हालांकि वह अभी गुस्से में थे। जनरल मैचोई मेयर के पास आता है और गांव वालों से कहता है, यह सच है कि हम अमेरिका से आए हैं इस सभी की जांच करने के लिए जो यहां हो रहा है, और जंगल में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे रोक कर ही रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि हम उन सभी लापता हुए लोगों को बचाकर ला पाएंगे या नहीं, लेकिन जंगल में वह जो कुछ भी है हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। ये सभी बातें कहने के बाद जनरल मैचोई साइंटिस्ट के पास आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर केटर, आप कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर केटर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, कहना क्या है, हमें जल्दी ही उसे पकड़ने के लिए निकलना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, क्या उस क्रिएचर को पकड़ लिया गया या फिर उस क्रिएचर ने ही जनरल मेचोई, डॉक्टर केटर और सभी सोल्जर्स को मार दिया? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे पार्ट टू में। वैसे फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।